वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में कि डिफरेंट तरह के क्रॉप्स के बारे में और फूड के बारे में कि हम लोग को फूड क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ता है और फूड हमें क्यों ज़रूरत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, कल हमने पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आज का हेडिंग है, फोटोसिंथेसिस। What do you mean by photosynthesis? The process by which green plant make their food in the presence of sunlight is known as photosynthesis. आप देख सकते हैं डायग्राम में, फोटोसिंथेसिस में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है सनलाइट। प्लांट अपना खाना तभी बना सकते हैं जब उसे उन्हें सूर्य की रोशनी मिले। फर्स्ट नेसेसरी कंपोनेंट इज सनलाइट। यह सनलाइट को आखिर प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, इसके लिए उसके लीफ में होता है क्लोरोफिल। उसके बाद जड़ से, आप देख सकते हैं कि ये जड़ से प्लांट अपना वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्योंकि प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, मिनरल, इन सब के मदद से प्लांट अपना खाना स्वयं पकाते बनाते हैं। और व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का दो बाय प्रोडक्ट होता है, नंबर वन ऑक्सीजन एंड नंबर टू ग्लूकोज। मतलब पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हमें ग्लूकोज देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पौधों में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर पत्ता। इस पत्ते के बिना, क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस का होता है यह पत्ते के बिना असंभव है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लीफ, पत्ते के बारे में। अब डायग्राम में देख सकते हैं यह एक लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ, आप देख सकते हैं इसमें जिस पार्ट से वो पत्ता टहनियों से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं पेटियोल, उसे बोलते हैं पेटियोल। और ये पेटियोल हमेशा नोड से जुड़ा हुआ रहता है, ये पेटियोल हमेशा नोड से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं मिडरीब। मिडरीब जो बीच पत्ते के बीच में लकीर होती है उसे मिडरीब बोलते हैं। लेमिना, लेमिना आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टिप, टिप ऑफ द लीफ, टिप ऑफ द लीफ, और इस टिप को हम लोग अपेक्स भी बोलते हैं। प्लांट के पास पत्ता होता है, पत्ते के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहला क्लोरोफिल, जिसके मदद से वह सनलाइट को ट्रैप करता है। दूसरा स्टोमेटा। अब आप बोलेंगे सर ये स्टोमेटा क्या होता है? पत्ते के निचले हिस्से में छोटी छोटी छेद होती है। जैसे हमें जब गर्मी लगता है तो हमारे शरीर में, स्किन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी प्रकार पत्ते में भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी मदद से वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। दैट स्मॉल ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टोमेटा। अब पिक्चर में देख सकते हैं स्टोमेटा का डायग्राम, जिसके तहत ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वाटर को रिलीज करता है। जब स्टोमेटा को आवश्यकता होती है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड ले, तब वो अपना गार्ड सेल ओपन करता है। जब उसे आवश्यकता होती है कि उसका ऑक्सीजन या वाटर को बाहर निकाले, वो फिर से गार्ड सेल को ओपन करके हम लोग को एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर देता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ, द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्योंकि आप देखते होंगे अभी गर्मी की मौसम चल रही है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अपने पौधे में पानी डालते हैं लेकिन कुछ देर बाद पानी वो सोख लेता है।
आखिर ये क्या जड़ सूखता है? नहीं, यह पत्ता सूखता है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा को भी हम लोग ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं। और इस ट्रांसपिरेशन के तहत ही हम लोग पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन और एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन और एसेंट ऑफ सैप क्या उपयोग में आता है। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले ये जो जड़ होता है, रूट यूज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ। इस प्रोसेस को जिसके तहत प्लांट का जड़ जो होता है वो वाटर और मिनरल को जड़ से लेकर पत्ते तक पहुंचाता है, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसके बाद पत्ते खाना बनाने के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है उसको फिर दूसरे प्लांट के फल, फूल, तना, डाली सारे हिस्से तक पहुंचाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये दो प्रोसेस, एसेंट ऑफ सैप जो रूट से पत्ते तक काम करता है, ट्रांसलोकेशन जो पत्ते से डिफरेंट पार्ट तक काम करता है, यह दोनों प्रोसेस बहुत ही जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो आपके व्हाट्सएप में आपका असाइनमेंट पहुंच गया है, उसे सॉल्व करें। अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपका पांडव सर, थैंक यू।